हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे Redmi Note 9 Pro के बारे में। इस फोन के बारे में बहुत सारे लीक्स आए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस फोन में 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने मिलेगा। तो Redmi Note 9 Pro के और भी फीचर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं और अंत में इसके प्राइस और लॉन्च डेट भी देखेंगे। इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलेगा, और इस डिवाइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल सकता है। और अब इस डिवाइस के कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने मिलेगा, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकता है। अगर कैमरा वाइज देखें तो ये फोन बहुत ही कमाल का होने वाला है। फोन के बैक में कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने मिलेगा, और चांसेस हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें देखने मिलेगा। इस फोन के रैम की बात करें तो इसमें आपको 8GB का रैम देखने मिलेगा, और उसी के साथ इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी होगा। तो अब चलिए इस फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं। इसमें आपको 2.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और इसमें अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी देखने मिलेगा। इस फोन के प्राइस की बात करें तो यह फोन दो वेरियंट में आएगा। पहला है 6GB रैम और 64GB रोम, और इसका प्राइस होगा लगभग 17,000 के आसपास। और इसका दूसरा वेरिएंट यानी कि 8GB रैम और 128GB रोम, और इसका प्राइस होगा लगभग 20,000 के आसपास।